अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारी आज की डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर स्पेस, कि हम ड्रोन्स का इस्तेमाल एग्रीकल्चर स्पेस में कैसे कर सकते हैं। आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ड्रोन्स का इस्तेमाल सबसे अहम है, क्योंकि बहुत सारे फार्मर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी क्रॉप्स के लिए। अगर मैं आपको इसकी स्पेशल फीचर बताऊँ तो इसकी स्पेशल फीचर ये है कि इसके अंदर एक मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर जो है वो फिक्स होता है, जो इस ड्रोन को मोनिटर करता है। मॉनिटर किस लिहाज से? वो इस लिहाज से जब हम इसको अपनी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर से मूव आउट करवाते हैं तो ये सारे का सारी डाटा, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इस मल्टी सेंसर स्पेक्ट्रल सेंसर में सारा रिकॉर्ड हो जाता है, जो हमें ये बता देता है कि आपकी एग्रीकल्चर लैंड में कितना एरिया है जहाँ पर हेल्दी क्रॉप्स हैं और कितना एरिया है जहाँ पर अनहेल्दी क्रॉप्स हैं। जिसकी मदद से ये होगा कि जब आप पेस्टिसाइड्स वगैरह इसमें अप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ वहीं पर जाके यूज़ होगा जहाँ पर अनहेल्दी क्रॉप्स होंगी, उस एरिया में नहीं होगा जहाँ पर हेल्दी क्रॉप्स होंगी। इसका फ़ायदा ये हो जाता है फिर कि आपका जो स्प्रे है वो लॉस होने से बच जाता है। अगर मैं आपको अब इसकी स्पेसिफिसिटी बताऊँ, इसकी स्पेसिफिसिटी ये है कि इसका जो फ्लाइट टाइमिंग है वो है 10 मिनट से 20 मिनट तक, और जो इसका लोड है जहाँ पर आप अपना पेस्टिसाइड स्प्रे जो है फिल करते हैं, इसकी जो टैंकी फिक्स होती है बिल्कुल इस ड्रोन के बिल्कुल नीचे होती है, जिसका कैपेसिटी है तकरीबन 5 kg, 10 kg या 20 kg। फ्लाइट टाइम जो है वो डिपेंड करता है इसकी बैटरी टाइमिंग पे। बैटरी टाइमिंग पे किस तरह? मतलब बैटरी में कितनी कैपेसिटी है कि इसके फ्लाइट टाइम को मैनेज कर सके। बैटरी में तकरीबन इसकी कैपेसिटी आ जाती है 12,000 से लेकर 16,000 mAh तक। यहाँ पर 3D मैपिंग इक्विपमेंट की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हमें अपनी क्रॉप से रिलेटेड सारा डाटा मिल जाता है कि हमारी क्रॉप्स में कितना एरिया है जहाँ पर हमें फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है, कितना एरिया है जहाँ हमें पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत है, कितना एरिया है जहाँ हमें पॉटिंग की ज़रूरत है। ये हमें हमारी क्रॉप्स का सारा मिनरल कंटेंट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक ट्रेनर की भी ज़रूरत पेश आती है, क्योंकि इसको हम एक रिमोट के ज़रिए से कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक ट्रेनर नहीं भी है तो हम इसको मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल के फार्मर्स के लिए ये एक बहुत ही क्रिटिकल टूल है, क्योंकि ना हम इसको सिर्फ क्रॉप मैपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, बल्कि हम इसको सीड प्लांटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सॉइल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और फील्ड के एनालिसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसकी स्प्रे की विथ की बात बताऊं तो इसकी स्प्रे विथ होती है तकरीबन 4 to 5 meters। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। इसकी प्राइस तकरीबन 5 lakh से स्टार्ट होती है और 15 lakh। सबसे अहम बात इसकी ये होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका जो एरिया है वो है 1 acre और वहाँ पर आपकी हेल्दी क्रॉप्स हैं वो 4 acre है और हेल्दी क्रॉप्स हैं वो है 4 acre, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो इसके अंदर मैंने आपको जैसे बताया जो मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर होता है जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन फिक्स होती है, ये सिर्फ आपके उस 4 acre को ही जाके स्प्रे प्रोवाइड करेगा जहाँ इसकी ज़रूरत होगी। जहाँ इसकी ज़रूरत नहीं होगी वहाँ ये पेस्टिसाइड स्प्रे प्रोवाइड नहीं करेगा, जिससे बहुत अच्छा हमें फ़ायदा ये होता है कि आपका स्प्रे ज़ाया होने से बच जाता है। इसके दो अहम यूज़ हैं। इसका अहम यही आ जाता है कि आपकी जो अमाउंट है वो बच जाती है, चाहे आप इसको पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, या आप इसको फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर रहे हैं, या आप सीडलिंग कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं आपकी अमाउंट जो है वो बच जाती है, सिर्फ वहीं पर जाके यूटिलाइज होगी जहाँ पर इसकी ज़रूरत होगी, ठीक हो गया। और दूसरा जो इसका अहम रोल है वो ये है कि ये आपका टाइम बचा देता है। आप कम वक्त में आप अपनी फील्ड्स को, अपनी क्रॉप्स को ये स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं और कम अमाउंट में आप एक अच्छी क्रॉप हासिल कर सकते हैं। अभी तक इसकी यही इन्फॉर्मेशन है। अगर इसमें और भी मज़ीद होगी तो हम आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। हम आपके सामने और भी इससे अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।